अब मैं आपको एक जो चीज है जिससे शुरुआत कर रहा हूं वो कौन सी है, वो एक्चुअली है एगलेस तिरामिसू। जी हाँ, तिरामिसू जो है वो इटालियन डिजर्ट है, लेकिन उसमें तो अंडा वगैरह है, काफ़ी पड़ता है। बिना अंडे के कैसे बना सकते हैं? हाल ही में मैंने घर में बनाया, बहुत बढ़िया बना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए बनाता हूँ बिना अंडे का। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ये मेरे पास है केक और ये हमने इसके बाद इसे काट लेना है और एक बार और ये लीजिए, काट लिया। अब इधर दूध मेरे पास है, दूध को गर्म होने रखा है, तो ये जो है मेरे पास है कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड, और इसमें ये दूध मिक्स कर लेते हैं, ये इसलिए ताकि जब दूध के अंदर इसे डालें तो इसके लम्प्स ना पड़े। और इसके लिए जो कस्टर्ड है वो थोड़ा गाढ़ा बनाना है हमने, और इसे पकने दें। अच्छा, इसको मीठा भी करना है, तो मीठा करने के लिए ये मेरे पास चीनी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उतना गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेज के बाद ये ऐसा नहीं कि पकाते जाएंगे तो बहुत और गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि कॉर्नस्टार्च की वजह से गाढ़ा हो रहा है, कस्टर्ड पाउडर की वजह से गाढ़ा हो रहा है, अगर वो कम है तो पूरा गाढ़ा नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करें, कुछ नहीं, ऐसे केस में आप थोड़ा कस्टर्ड पाउडर और डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला है। भाई ये जो कस्टर्ड है ये तैयार है, अब और क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा पानी ले लेते हैं और पानी को गर्म करने के लिए रख दिया इस पैन के अंदर। ये किस लिए चाहिए मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले ये जो मेरे पास है ये ले लेते हैं, इसको रखते हैं इसमें। अभी हमारे पास ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे ये जो कस्टर्ड है, ठंडा वाला कस्टर्ड ये ले लें, फिर जरा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए, और फिर इसके अंदर डालना है चीज़। एक्चुअली चीज़ जो आप इसके अंदर डालें वो होना चाहिए मैस्कपोन चीज़, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल दूसरा चीज़ लें, सॉफ्ट क्रीम चीज़ इसमें डालें। घर में जब बनाएं तो आप एक काम करें, थोड़ा सा पनीर को मैश करके डाल सकते हैं, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। अच्छा, मेरे पास जो पानी है ये भी दिख रहा है उबल चुका है, तो अब इसके अंदर मैं डालता हूँ कॉफ़ी, और अब इसे बंद करते हैं। कॉफ़ी से याद आया, मेरी कॉफ़ी कहाँ है, ठंडी क्यों कर रहा हूँ। वाह, अभी तो ये जो कॉफ़ी है इसको क्या करना है, एक्चुअली ये थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर कॉफ़ी इसमें, ये पूरी तरह से सोख हो जाना चाहिए इसमें। अब ये जो मेरे पास है क्रीम फिटी हुई, ये भी चीनी के साथ, और इसे हल्के हाथ से कस्टर्ड में मिक्स कर देते हैं। बस ये हो गया मिक्स, ये लिया और एक बार ये देखिए, उसके बाद एक बार फिर ये इसमें, और अब ये बहुत ज़रूरी है, जब तक ये अच्छी तरह से मॉइस्ट नहीं होगा कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आएगा। देखिए जब मैं कुछ करता हूँ तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिहेव कर लेते हैं, मिसबिहेव नहीं करते, लेकिन घर में आप रिस्क ना लें। और अब ये मिक्सचर ये देखिए, वाह, और अब ये जो है, और इसे डाल देते हैं इसके ऊपर, और एक बार फिर ये कॉफी का लिकर, और अब इसके ऊपर एक बार फिर ये लीजिए। एक काम करें, एक छन्नी ले लें और छन्नी में डालें यही कॉफी,
ये कॉफी डाल के इसके ऊपर बस, और इसको रख दें फ्रिज के अंदर। फ्रिज में अच्छी तरह से जब ये चिल हो जाए करीब 1.5-2 घंटे के अंदर, उसके बाद आप इसको निकाल के खाएं। हाँ, इसे डिमोल्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप इसे डिमोल्ड करें, डिमोल्ड ना करें। इसी तरह से जब ये ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए, तो बड़ा चम्मच डाल के इसका पोर्शन सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार है ये एगलेस तिरामिसू। नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। एगलेस तिरामिसू के लिए हमें चाहिए 1/6 इंच का एगलेस स्पॉन्ज केक, 4 छोटे चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर, 1.5 कप दूध, 6 छोटे चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर, 4 बड़े चम्मच गाढ़ी दही और 3 बड़े चम्मच फेटी हुई क्रीम। इसे बनाने के लिए कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा दूध डालकर घोल लें। अब बचे हुए दूध को एक पैन में गर्म करके इसमें कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर डालकर गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें चीनी डालकर मिलाएं और ठंडा कर लें। अब एक पैन में पानी गर्म करके इसमें कॉफी पाउडर डालकर मिक्स करें और इसे भी ठंडा कर लें। अब एक बोल में गाढ़ी दही, ठंडा कस्टर्ड और फेटी हुई क्रीम डालकर मिक्स करें। इसके बाद केक की 3 परतें काट लें, यानी इसे पतले पतले 3 भागों में काट लें और सबसे निचली परत को एक केक बोल में रखें और इसके ऊपर तैयार किया हुआ कॉफी डिकॉक्शन डालें और फिर कस्टर्ड और क्रीम का मिक्सचर डालकर इसे फैला लें। इसी तरह से दूसरे स्लाइस से ढककर कॉफी का डिकॉक्शन डालें और कस्टर्ड का मिक्सचर डालकर फैला लें। अब तीसरे स्लाइस के ऊपर भी बचा हुआ कॉफी डिकॉक्शन डालें, उसे ढकें और ऊपर से थोड़ा कस्टर्ड का मिक्सचर डालकर फैला लें और अब इसके ऊपर कॉफी पाउडर छिड़क कर इसे रेफ्रिजरेटर में करीब 2 घंटे तक रखें और स्लाइस काट कर सर्व करें।